नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारतीय क्रिकेटर टीम के मशहूर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रेवा जडेजा भी आज वृंदावन कुंभ में नरोत्तम नगर पहुंची। रेवा जडेजा ने कुंभ पूर्व बैठक में पहुंचकर शाही स्नान सहित धार्मिक आयोजनों में भाग लिया, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वृंदावन राधे कृष्ण की भूमि में आकर बहुत अच्छा लग रहा है और आनंद की अनुभूति हो रही। उन्होंने कहा कि इस भूमि में कड़ कड़ में राधे कृष्ण का वास है। कुंभ में आई हैं, कैसी महसूस कर रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ द टीम, और जहाँ की ये जो व्यवस्था है, मैं पहली बार आई हूँ वृंदावन और मुझे बहुत ही एक दिव्य अनुभूति होती है कि जहाँ यहाँ बाल कृष्ण और राधे जी का यहाँ सभी एक फील होती है कि एक दिव्य अनुभूति होती है कि यहाँ हर कण कण में कृष्ण है, हर कण कण में राधा है। तो बस वही अनुभूति और बहुत ही दिव्य अनुभूति है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बट बहुत ही दिव्य अनुभूति। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी गोपाल जी का, शास्त्री जी का और पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस कुंभ के पवित्र अवसर पर। थैंक यू। कुंभ में आई है, कैसी अनुभूति हो रही है? जी, वृंदावन तो समझ लीजिए मेरे हृदय में विराजित है, या कहिए कि मैं वृंदावन में विराजित हूँ। मैं नहीं जानती, मेरे सब कुछ यहीं से भूमि से शुरू होकर, ठाकुर जी के चरणों से शुरू होकर यहीं समाप्त होगा। मैं हर महीने आती हूँ, और लेकिन अब तो विशेष कुंभ में आके भैया ने और मिथिल भैया ने, जयगोपाल भैया ने हमको मौका दिया यहाँ आने का। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैं पंचदेव उपासना में हूँ। यहाँ शिव जी के भी दर्शन हैं, यहाँ ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी मेरे इष्ट हैं और किशोरी जी मेरी गुरु हैं। इस नाते ये जगह मेरे लिए तो संपूर्ण बैकग्राउंड से भी ऊँची जगह है। मैं हृदय से आप सबका आभार करती हूँ, मुझे बहुत सुंदर अनुभूति है। हर पल मैं तो वैसे भी दिन की शुरुआत किशोरी जी के चरणों से शुरू करती हूँ, और दिन का मेरा जो समाप्ति होती है वो भी उन्हीं के चिंतन और मनन, उनके ध्यान और उनके साधना में मेरा जीवन ही जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बनी रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।